सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 खबरों का। रामपुर के मिलक में तेज रफ्तार कार ने साइकिल में मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार वृद्ध युवक घायल, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जौनपुर में एसटीएफ खंगाल रही पर्षदी शिक्षकों की कुंडली, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप। कल उठेगी 18 बनी हाशिम की ताबूत। काशी में दिलकश, गाजीपुर जौनपुरी और समर बनारसी दिलाएंगे काबुला की याद। प्रयागराज में गंगा में बाढ़, सड़क पर मगरमच्छ। कानपुर में यमुना का लेवल बढ़ने से बांदा हाईवे पर ट्रैफिक बंद। वाराणसी में संदेह के घेरे में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया, बीएचयू कुलपति ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। भदोही में गंगा का जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, कई बीच फसल हुई जलमग्न। प्रयागराज में वर्दी में मसाज कराने पर दरोगा सस्पेंड, आंखें बंद की तो किसी ने वीडियो बनाया। प्रयागराज एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की। कानपुर देहात में बाढ़ का कहर, बाढ़ की चपेट में आए 30 गांव, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। ओवरलोड ट्रक देखकर परिवहन मंत्री हुए नाराज, इटावा में कहा एआरटीओ को सस्पेंड करवा दूंगा, वीडियो वायरल। कानपुर में रंजिश में छात्र का अपहरण करके पीटा, भागने की कोशिश पर फायर झोंका और वीडियो कर दिया वायरल। धमाका इतनी तेज था कि हमारी रूह हिल गई। मेरठ पटाखा फैक्ट्री में काम करते वक्त कर रही महिलाओं ने बयां किया अपना खौफनाक मंजर। प्रयागराज में गंगा में बाढ़, सड़कों पर मगरमच्छ। काशी में गलियों में दाह संस्कार। कानपुर में यमुना का लेवल बढ़ने से बांदा हाई ट्रैफिक बंद। कन्नौज में रिपेयरिंग दुकान में मिली चोरी की चार बाइकें, मैकेनिक गिरफ्तार, पुलिस ने एफआईआर दर्ज, भेजा जेल। चित्रकूट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 चौकियां की गई स्थापित, लोगों को मिलेगी मेडिकल सुविधा, ब्लीचिंग पाउडर का हुआ छिड़काव। हरदोई में जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल सील, परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा, जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल सील। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट बस डीसीएम से टकराई, दर्जन भर यात्री घायल, दो की हालत गंभीर। पीलीभीत में सड़क किनारे खड़ी प्राइवेट बस में लगी आग, देखते देखते बस जलकर हुई राख। हादसे के वक्त बस में कोई नहीं था सवार। मैनपुरी में हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 25,000 का जुर्माना भी लगाया, सास और ससुर बरी। चित्रकूट में सबरी जल प्राप्त, उफान पर प्रतिदिन दर्जनों आते हैं सैलानी, यहां देखते हैं मनमोहक नजारा। बिजनौर में जिम कार्बेट से सटे इलाके के घर में निकला अजगर को देख सहमे लोग, वन विभाग ने किया रेस्क्यू।
हमीरपुर में बाढ़ ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। यमुना तटबंध के ऊपर से हुई ओवरफ्लो, नेशनल हाईवे पर पहुंचा पानी। फरुखाबाद 40 के गांव के बाढ़ का पानी बना मुसीबत। नौरारा गंगा से छोड़ा गया पानी, कटी कच्ची सड़क। गोंडा में बिना शिक्षक चल रहे 42 प्रसदी स्कूल। एकल शिक्षक के सहारे 131 स्कूलों के छात्रों का भविष्य। बीएसए बोले जल्द होगी तैनाती। चंदौली में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर। तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत। फसल और चारा डूबने से किसानों की बढ़ेगी परेशानी। गोंडा में डीसीएम पलटने से दो लोग घायल। अयोध्या से लौट रहे थे बलरामपुर, अंतिम संस्कार में होने जा रहे थे शामिल। झांसी के 3 गांवों में पहली बार पहुंचा पानी। सितंबर तक 19 और गांवों में पहुंचेगा अगले साल। 678 गांवों को मिलेगा शुद्ध पानी। सुल्तानपुर में हत्यारोपी के घर पर चला बुलडोजर। 25 साल से फरार अभियुक्त के घर का खिड़की दरवाजा उखाड़ ले गई पुलिस। योगी रात 10 बजे गाजियाबाद की सोसाइटी पहुंचे। बीमार रिश्तेदार को देखने अचानक पहुंचे बच्चे ने घेर कर लगाए योगी योगी के नारे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे धसा। 5 किलोमीटर लगा जाम। 2 घंटे तक फंसे रहे वाहन सवार। बैरिकेटिंग कर निकाला गया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। शहर में लगातार घुस रहा पानी। औरैया में व्यापारी नेता संदीप पोरवाल ने पत्नी व पुत्र की हत्या करने के बाद की आत्महत्या। सनसनीखेज मामले में पुलिस ने किया प्रेस नोट। बुलंदशहर में डीएम से की औषधि निरीक्षण। दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग। औरैया में एक बार फिर बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। गांव का रास्ता हुआ बंद। देवरिया के जिला अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में दौड़ता रहा युवक। तड़पती रही बुजुर्ग महिला। गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर किया निरीक्षण। लखीमपुर खीरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित हुआ खेलकूद प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का एसडीएम ने किया शुभारंभ। राजधानी लखनऊ के सीएमएस में वार्षिक अभिभावक सम्मान समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सचिव आईएएस आलोक कुमार। संबल में चोरों के हौसले बुलंद। शुक्रवार की रात में 3 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। घर से हाथ साफ करने के बाद चोर फरार। वाराणसी में गंगा में नहाने आया बालक डूबा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ टीम। अमेठी में जिला पंचायत सदस्य के घर पर हुआ हमला। बदमाशों ने बोला हमला। हमले में जिला पंचायत सदस्य के पति को पीट पीट कर किया लहूलुहान। बुलंदशहर में भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले विधायक ने सड़क पर लगाया झाड़ू।
चंदौली में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे 2 को किया जाम, अफसरों को मौके पर बुलाने पर अड़े ग्रामीण। गाजियाबाद दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, पीएम आवास योजना का किया था निरीक्षण। गोंडा में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा, तिरंगा अभियान के तहत प्रधानों से भुगतान लेने का लगा आरोप। कन्नौज में पुलिस को मिली सफलता, तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। कानपुर देहात में देश के भविष्य के हाथ में किताब की जगह दिख रहा है झाड़ू, शिक्षक के सामने झाड़ू लगा बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में 2 युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कान्हा गौशाला का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया निरीक्षण, गौशाला को देखकर केशव प्रसाद ने की प्रशासन की तारीफ। लखनऊ में लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, मेयर संयुक्ता भाटिया, अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर पर हुआ लोकार्पण। कानपुर मामूली विवाद को लेकर जमकर हुआ मारपीट, दबंग राजा साहू पहले भी कर चुका क्षेत्र में मारपीट। लखनऊ में भाजपा दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश, बलराम तिवारी ने मकान मालिक से परेशान होकर खुद को लगाई आग। कन्नौज में गाड़ी हटाने को लेकर टेम्पो चालक और बस चालक में हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पुराने लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजा के सामने बनेगा ग्रीन पार्क, मंडलायुक्त डॉक्टर राकेश जैकब ने किया निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत, अपने घर से स्कूल जा रहे कक्षा 6 के छात्र की करंट लगने से हुई मौत। प्रयागराज में पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। गाजीपुर में विधायक अब्बास अंसारी के मकान पर पुलिस ने चस्पा नोटिस, अब्बास को कोर्ट में या पुलिस के समक्ष पेश होने की सुनवाई। हरदोई के पालागुर्रा पुल पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नदी से जा गिरे 2 दर्जन किसान, किसानों ने तैरकर बचाई अपनी जान। कानपुर में बिदनू पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, पीड़ित से न्याय दिलाने के नाम पर वसूली मोटी रकम, न्याय के लिए भटक रही महिला। गोंडा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गोंडा बलरामपुर हाईवे पर पलटी ट्रक, ट्रक में 35 लोग थे सवार, सभी को आई गंभीर चोटें। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गैंग के 4 शातिर चोर गिरफ्तार। मैनपुरी में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार, घटना की रिपोर्ट दर्ज, गंभीर अवस्था में किशोरी को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में कजरी तीज को लेकर विभूतिनाथ मंदिर का डीएम व एसपी ने की लिया जायजा, पुलिस ड्यूटी के बारे में दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, आग की लपटों
से घर दमकल की दो गाड़ियों ने पाया काबू। शामली में डीआईजी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, बोले शिकायतों का करें निस्तारण, फॉर्मूला ड्रग ने नहीं आने पर हल्का लेखपाल को लगाई फटकार। सीतापुर में चंदन की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या, हमलावरों ने चारपाई में बांधकर चाकुओं से गोदा पेट भी काट कर ले गए। आगरा में बाढ़ के पानी से गिरते घर का वीडियो वायरल, बाल बाल बचे परिवार के लोग जायजा लेने नहीं पहुंचे, अधिकारी मुआवजे की मांग। सहारनपुर में अंबाला डीआरएम ने सेफ्टी ड्राइवर को लेकर किया निरीक्षण, यमुनानगर और सहारनपुर में लोको पायलट को रेल यात्रा का पढ़ाया पाठ। अलीगढ़ में गैर जमानत पर आए 5 दरोगाओं को मिले थाने एसएसपी ने एसआई को दी नियुक्तियां, कासिमपुर चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर। प्रतापगढ़ में ससुर ने नाबालिग बहू का किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर पति ने भेजा गांव, सास ने कराया गर्भपात। बच्चों की छुट्टी, बाढ़ पीड़ितों के लिए खुले स्कूल, प्रयागराज के दर्जन स्कूलों को बनाया गया बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर। चित्रकूट में घर के बाहर सो रहा युवक पर पलटा ट्रक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ड्राइवर मौके से फरार। फतेहपुर में वरासत के नाम पर लेखपाल ने मांगी रिश्वत, पीड़ित ने तहसील दिवस में की शिकायत, डीएम ने एसडीएम को सौंपी जांच। बदायूं में अस्पताल के सामने सड़क पर लेटी महिला, मारपीट के मामले में दरोगा मेडिकल कराने पर अड़ी लगाया पीलीभीत, मिली भगत का आरोप। बाराबंकी में सरयू का जलस्तर घटते ही कटान शुरू, गांव तक पानी पहुंचने से लोग चिंतित, बोले शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं रहे ध्यान। 500 मीटर पैदल भाई का शव लेकर चला बच्चा, बागपत जिला अस्पताल में 1 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिला वाहन, मां ने की थी हत्या। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।